हेलो एवरीवन। वेल, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है वोकैब की। साथ में आप अब मेरे साथ जुड़ के पैसे भी कमा सकते हैं। यू कैन अर्न एंड लर्न विद माय क्लासेस, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस इन सिरसा। राइट नाउ अभी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और दे आर अर्निंग क्वाइट वेल। वो सब पैसे भी कमा रहे हैं और मेरे से सीख भी रहे हैं। इन द सेम वे यू कैन डू इट। फॉर मोर यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर। ये सिरसा के स्टूडेंट्स के लिए ही है। धीरे धीरे मैं इसको ऑनलाइन भी लेकर आऊँगा कॉन्सेप्ट को, तो एनी बडी कैन अर्न एनी वेयर इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ये सामने कुछ वोकैब पड़ी हुई है, इस वोकैब में देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है इनसेसेंट। इसको देखते हैं हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। इनसेसेंट का क्या मतलब है? इंग्लिश में CESS का मतलब होता है ब्रेक। सेस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक, और बिना ब्रेक के होता है इनसेसेंट। अगर ब्रेक नहीं लगता तो इनसेसेंट यानी कंटिन्यूस। तो विदाउट ब्रेक इज इनसेसेंट, दैट इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस को बोलते हैं इनसेसेंट। दूसरा हमारा वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट वर्ड को हम याद करेंगे एप्ट से। एप्ट का मतलब होता है काबिल। कोई अगर काबिल है, स्किल्ड है, कोई हुनर है किसी में, तो एप्ट है। तो एप्ट का मतलब होगा काबिल। और इनेप्ट का मतलब होता है जो काबिल नहीं होता, जो सक्षम नहीं है, जो कंपिटेंट नहीं है। इनेप्ट बुद्धू को भी बोल सकते हैं, इनेप्ट है ये। जो ना काबिल है। नेक्स्ट है जक्स्टा पोज। तो इस वर्ड को हम कैसे कह सकते हैं? पोज का मतलब पोजीशन है। यहां पे पोज वर्ड का मतलब है पोजीशन। साथ वाली पोजीशन पे बिठाने को बोलते हैं जक्स्टा पोज करना। जक्स्टा पोजीशन का मतलब होता है साथ वाली पोजीशन, और जक्स्टा पोज का मतलब होता है साथ वाली जगह पे बिठाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेचरस। लेचरस वर्ड को याद रखने के लिए हम याद रखेंगे लीची का रस। ऐसा समझते हैं कि लीची का रस पीने से सेक्स करने का ज़्यादा मन करता है या कामुकता बढ़ती है। तो कामुक को बोलते हैं लेचरस, सेक्सफुल को बोलते हैं लेचरस। लेचरस का मतलब सेक्सफुल होता है। लिम्पिड। लिम्पिड वर्ड को याद रखने के लिए हम लैम्प याद रखेंगे। लैम्प का मतलब रोशनी। अगर सत्र रोशनी होगी, अगर सत्र रोशनी तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर। जब हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो उसे बोलते हैं लिम्पिड सोच है हमारी, यानी कि बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नॉइसम वर्ड को याद रखने के लिए हम नॉइस याद रखेंगे। नॉइस का मतलब शोर, आवाज़, और चारों तरफ अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा तो ज़्यादा शोर हमारे लिए हार्मफुल होगा। हार्मफुल को बोलते हैं नॉइसम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेनेस। क्या होता है मेनेस? का मतलब होता है खतरनाक, और बेटर है खतरा। मेनेस का मतलब क्या है? खतरा। और डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल वर्ड को हम मेंटल से आता सकते हैं। मेंटल का मतलब होता है पागल। जो चीज़ें हमें पागल कर सकती हैं वो डेट्रीमेंटल होंगी, वो खतरनाक होंगी। तो डेट्रीमेंटल जो हमें मेंटल कर दे, जो हमें मेंटल कर सकता है, वो हमारे लिए क्या? खतरनाक है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक। तो हमने कुछ वर्ड्स किए हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। इनसेसेंट का मतलब, सेस का मतलब ब्रेक, इनसेसेंट विदाउट ब्रेक। इनएप्ट, एप्ट का मतलब कला, इनएप्ट जिसमें कोई कला नहीं है, जो बुद्धू है। जक्स्टापोज, साथ वाली पोजीशन पे बिठाना। लेचरस, लीची का रस यानी कि सेक्सफुल, कामुक। लिम्पिड को हमने लैम्प से अब किया था, लैम्प रोशनी, रोशनी तो क्लियर। नॉइसम, अगर नॉइस हो जाता है तो हार्मफुल होगी, हार्मफुल। मैनेस का मतलब खतरा, और डेट्रीमेंटल जो हम मेंटल करते हैं वो खतरनाक है, खतरनाक बोलते हैं डेट्रीमेंटल। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।